ऐसे भी क्या बातचीत हो रही है? सैद कि मगफिरत की दुआ और सज़ादा हुज़ूर को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए, उनकी भी साफ बख्शिश फरमाए। आप क्या ख्याल फरमाते हैं कि इस तरह से जब कोई ताज़ियत करता है तो इससे गम हल्का होता है? सारे के गम तो होते हैं, ढारस गम हल्का होता है, ढारस बनती है। चूँकि सामने वाला दुआ देते हैं तो उसमें सुकून नहीं मिलता है कि चले वो मेरे जो है वो अहलिया के लिए दुआएं मफरत कर रहे हैं। आपके पेज के नाज़रीन इस वक्त जो देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? ये कि कभी भी अपने मुसलमान भाई के साथ बुरा वक्त है, उसके साथ कोई परेशानी है, कोई उसके साथ आजमाइश है, तो वो इनकी मदद करें, उनका साथ दें, उनकी दिलजोई करें, उनकी ताज़ियत करें, बीमार हो तो उनकी यादत करें, जो इस्लाम हमें ये दर्स देते हैं। और जो उन पर खर्च करेंगे इसका क्या होगा? इसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको नवाजा तो उनको खर्च भी करें, यानी अपने ताहते कुदरत ने जितनी वो कर सकते हैं। सही, अल्लाह हमें एक दूसरे का खैर ख्वाह बनाए। आमीन।